आज हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के अनुरूपेण मेथड से। इस सूत्र का इस्तेमाल कब किया जाता है आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं 43 और 47, हमने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों जो नंबर्स हैं इनका बेस 10 के क्लोज भी नहीं है और 100 के क्लोज भी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हम अनुरूपेण का इस्तेमाल करेंगे और इसको थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन करेंगे जिससे कि हम अपनी कैलकुलेशंस को इजी कर सकें। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट बेस इज 100। अब हम इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे तो मॉडिफाइड बेस हमारा हो जाएगा, 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे ये हो जाएगा 50। तो हम 50 बेस में इसको हमने मॉडिफाई कर दिया है क्योंकि ये 50 के क्लोज है दोनों नंबर्स, इसलिए अब हमने अपने नंबर्स लिखे एक तरफ। इधर आपको पता है हमने क्या लिखना है, डेविएशन। 43 जो है इसका कितना डेविएशन है 50 से, ये है -7। 47 का है -3। अब जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का मेथड है वो वैसे ही रहेगा, 7 3 21, राइट हैंड साइड अभी 21 लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमें इन दोनों को ऐड करना है, 47 -7 40, ये हो गया। अब ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे क्या किया था, मॉडिफिकेशन की थी, 100 को 2 से डिवाइड किया था 50 बेस में चेंज करने के लिए, तो हमारा जो लेफ्ट पार्ट ऑफ द आंसर है उसको भी हमने 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 20, और राइट साइड जो है वो 21 है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो बहुत ही ईजीली हमने अपने बेस को मॉडिफिकेशन करके कैलकुलेशंस आसान कर ली। अब इसी नंबर को बेस 10 में भी मॉडिफाई करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखते हैं उसमें हम कैसे करेंगे। अगेन हमारे पास सेम नंबर्स हैं 43 और 47। अब हमें इसे बेस 10 में चेंज करना है। अब देखिए पहले हम लिख लेते हैं लेट बेस इज 10। अब हमें पता है ये दोनों नंबर्स 50 के क्लोज हैं तो हम बेस 10 को 50 में मॉडिफाई कर देंगे, तो मॉडिफाइड बेस कितना हो जाएगा, 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 50। तो हमने अपने बेस को 5 से मल्टीप्लाई करके 50 में चेंज कर दिया। अब देखिए एक तरफ है 43 एक तरफ है 47, अगेन सेम मेथड। 43 का डेविएशन है -7 50 से, 47 का है -3। 7 3 21, इधर 47 -7 40, ये हो गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, 10 बेस लिया था और हमने मॉडिफिकेशन की थी 5 से मल्टीप्लाई करके, तो इधर भी हम लेफ्ट पार्ट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया 200, ये 21 है। अब बेस कितना है 10, तो अगर बेस जो है 10 होगा तो इसका मतलब जो राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर है वहाँ पे ओनली सिंगल डिजिट होनी चाहिए, तो जो 2 है वो कहाँ जाएगा, वो इधर ऐड हो जाएगा, इधर सिर्फ 1 रहेगा तो 1 ही रहेगा, 2 ऐड हो जाएगा 200 के साथ, ये हो जाएगा 202। तो देखिए हमारा आंसर आ गया 2021, तो इधर भी हमें 2021 मिला, और 50 बेस लेके हमने किया तो भी हमारा आंसर सेम है। तो आप किसी भी तरह से बेस को मॉडिफाई कर सकते हैं और अपनी कैलकुलेशन को हम ईजी बना सकते हैं अनुरूपेण सूत्र से।